गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ मी योर फिजियो कोच डॉक्टर हेमंत गौड़। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में हमारे जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, तो क्वेश्चन उठता है कि ऐसे हालात से कैसे निपटा जाए, इनका मुकाबला कैसे किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ जिसकी मदद से यदि आप या आपके परिवार में किसी भी सदस्य को कोरोना या कोरोना जैसी कोई भी गंभीर बीमारी होती है तो आप उसका सामना बहुत आसानी से या बहुत बखूबी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फार्मूले का नाम है CTMM। तो दोस्तों, इस फार्मूले के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक कहावत है, कहते हैं कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, हमेशा कुआं पहले खोदा जाता है। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी कमी लोगों के अंदर यही है कि जब एकदम से कोई काम या कोई तलवार उनके सर पर लटक जाती है तब वो उसका सॉल्यूशन निकालने की सोचते हैं। तो दोस्तों, इस फार्मूले के अंतर्गत मैं इसी बात को दोहराना चाहूँगा। CTMM का अर्थ क्या है? सी, दोस्तों, इस पूरी बीमारी के दौरान या किसी भी बीमारी के दौरान आपको चार स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें नंबर एक है सी। सी यानी कि कंसल्टेशन। जैसे ही आपको प्रॉब्लम लगे तो आपका संपर्क अपने फैमिली फिजिशियन या आपके नेटवर्क में 2, 4, 5, 10 ऐसे डॉक्टर होने चाहिए जिनसे आप इजीली कॉन्टैक्ट कर सकें, जिनसे आपके अच्छे रिलेशन्स हों। सेकंड है टी। टी यानी कि टेस्टिंग। दोस्तों, आपकी जानकारी में ऐसी लैब होनी चाहिए या ऐसे लैब टेक्नीशियंस होने चाहिए जो आपके कहने मात्र से आपके पास जल्द से जल्द आ सके और आपका टेस्ट कर सकें। उसके बाद है दोस्तों एम। एम यानी कि मेडिसिन। बजाय इसके दोस्तों कि डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे और आप बाहर भागें कि अब मुझे ये मेडिसिन लेनी है, मुझे ये लेनी है, जो ज़रूरी मेडिसिन्स हैं, जो कॉमन मेडिसिन्स हैं, उनका आप 3 डेज या 5 डेज के लिए आप अपने पास रख सकते हो। इसके अलावा बेहतर होगा कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर और मेडिकल स्टोर्स के साथ आपके साथ अच्छे रिलेशन्स हों, जो आपको मेडिसिन की उपलब्धता कम से कम टाइम में करवा सकें। और उसके बाद बारी आती है दोस्तों आखिरी एम की। एम यानी कि मशीन। दोस्तों, कई बार देखने में आया है कि जब लोगों को एंड टाइम पर ज़रूरत पड़ती है तब वो सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए, नेबुलाइजर के लिए तब वो भागते हैं। दोस्तों, कोशिश करिए कि आपके पास इन विषयों की जानकारी सबसे पहले मौजूद हो। जब भी कोई नंबर, मैसेज, फोटो, पिक्चर, सेवा समिति, एनजीओ, ट्रस्ट जिसकी जानकारी आपके पास आए उसको, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसे एक साइड में सेव कर लीजिए। क्योंकि ऐसा बहुत बार देखने में आया है कि जब हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो हमें तभी नहीं मिलती। तो दोस्तों, इस फार्मूले की मदद से आप कम से कम समय में अधिक से अधिक ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ, और दोस्तों यहाँ पर मैं एक जो पूरे देश में इस समय चल रहा है स्टे होम स्टे सेफ, मैं इसको थोड़ा सा बदलना चाहूँगा। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि स्टे होम बट कीप हेल्पिंग। आप घर में रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए। दोस्तों, दूसरों की मदद करना भी अपने आप में किसी वैक्सीन से कम नहीं है। जब आपकी वजह से किसी की जान बचती है, आपकी वजह से किसी की परेशानी कम होती है, तो ये चीज़ अपने आप में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, आपके चेहरे पर मुस्कान लाती है। सो स्टे होम बट कीप सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग अदर्स। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर। योर फिजियो कोच डॉक्टर हेमंत गौड़।